डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.2 के आज लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई मीन कि क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का एकदम से लास्ट क्वेश्चन है। और चलिए क्वेश्चंस पहले समझते हैं कि आखिर क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे सामने है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, परिगत बोले तो परिगत का मतलब होता है चारों ओर बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है या अंतरित करती है। यानी कि कुल मिलाकर हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि आमने सामने का जो कोण बनेगा उसका जोड़ने से संपूरक, संपूरक का कोण का मतलब आप समझिए, संपूरक कोण वैसे दो कोण कहते वैसे दो कोणों का योग जिसका जोड़ करने पर 180 डिग्री आता है, उसको हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हमें संपूरक कोण अंतरित करती है तो हम लोगों को करना क्या होगा। सबसे पहले एक वृत्त का केंद्र मानना होगा ओ, यानी कि एक आप वृत्त खींचिए, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। अब इस ओ केंद्र वाले पर एक परिगत चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब कैसा भी चतुर्भुज बना लेना है, ये चतुर्भुज ओ सॉरी इसको टच कर रहा है, मतलब ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो आप चतुर्भुज का नाम हम अपने से खुद से देख रहे हैं, दे दे रहे हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है जिसका केंद्र क्या है वो, और जो इसका स्पर्श बिंदु है यानी कि जो स्पर्श बिंदु कर रहा है उसका नाम मान लेते हैं पी, इसका क्यू, इसका आर, इसका एस। यानी पी क्यू आर एस क्या है, तो स्पर्श बिंदु है इस वृत्त पर, ठीक है। और इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि अभी तक के हम लोग क्या क्या काम किए हैं, प्रूफ क्या करना है, उन सभी चीज़ों को यहाँ लिखना ज़रूरी होता है। तो माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा जिसमें जिसके जिसके परिगत, परिगत का मतलब होता है वृत्त के चारों ओर परिगत ए बी सी डी चतुर्भुज खींचा जो वृत्त के बिंदु पी कॉमा क्यू आर एस को छू रहा है, या स्पर्श बिंदु लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस उस वृत्त का स्पर्श बिंदु है। ये सब लैंग्वेज है, हम खुद भी लिख सकते हैं इसको। तो हम अभी तक के क्या लिखे हैं कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा है जिसके परिगत एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, ठीक है। इस ए बी सी डी चतुर्भुज में हम लोग स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस जो है ये वृत्त पर का बिंदु है जिसको वृत्त को छू रहा है, पी क्यू आर एस को छू रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात किया जाए कि जो भी पी क्यू आर एस होंगे उसको है ना आप केंद्र ओ से मिला दीजिए, यानी ज्वाइन कर दीजिए। तो ओ से क्यू को मिलाया, ओ से आर को मिलाया, ओ से एस को मिलाया और ओ से पी को मिलाया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब बिंदु पी क्यू आर एस को वृत्त के केंद्र ओ से मिलाया, यानी कि जो भी वृत्त का स्पर्श बिंदु था, कौन कौन स्पर्श बिंदु हैं, तो पी क्यू आर एस ये सभी स्पर्श बिंदु हैं जिसको हम लोग केंद्र से मिला दिए। केंद्र जो है ओ है,
इस ओ केंद्र जो है वृत्त का, इसको हम लोग पी से मिलाएं, क्यू से, आर से और एस से, इसको मिला दिया। अच्छा, अब हमें क्या सिद्ध करना है इस पे जरा बात कर लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि आमने सामने, यहाँ लिखा हुआ है ना, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। तो आमने सामने की भुजाएं संपूरक, मतलब कि एंगल बी एंगल डी, ठीक है, यानी कि एंगल बोल सकते हैं कि आमने सामने का जो भुजा होंगे केंद्र पर जो है सेम संपूरक बनाएंगे केंद्र पर। यहाँ लिखा हुआ है केंद्र पर, देखिए यहाँ लिखा ना, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक बनाते हैं, यानी कि या तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं, जिसको मिलाया नहीं है, तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, यानी कि BOC का वैल्यू। अच्छा, उसके पहले ना हम लोग सबका वैल्यू मान लेते हैं। जैसे बिंदु O को ज्वाइन कर दिए हैं B के साथ ऐसे, फिर इसको ऐसे, ताकि आमने सामने की भुजाएं हमको पता चल जाए। D से भी कनेक्ट किया, ठीक है, यानी कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं तथा तथा AB, बिंदु ABCD को भी, बिंदु ABCD को O से मिलाया। देख पा रहे होंगे, ABCD को भी O से मिला दिया, और स्पर्श बिंदु PQRS था उसको भी हम O से मिला लिया। तब हमें सिद्ध करना है कि BOC का वैल्यू जो है होगा AOD का जोड़ने से 180 डिग्री होगा, यानी एंगल BOC प्लस एंगल AOD का मान 180 डिग्री होगा। या आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि AOB का मान और AOB का उल्टा क्या होगा, तो COD, एंगल COD का वैल्यू 180 डिग्री होगा। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे सिद्ध करना है कि आमने सामने का जो कोण है वह एक संपूरक बनाएगा, माने कि 180 डिग्री बनाएगा। सबसे पहले किस त्रिभुज में चलेंगे आप, तो यहाँ से दिख पा रहा होगा कि OAP OAS, इसी में दो दो गो ट्रिएंगल बन रहा है, ये वो त्रिभुज है, वो ये त्रिभुज OAP OAS। तो आप लिखिएगा त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OAS में, हम किस में चले हैं, तो त्रिभुज OAP यहाँ दिख रहा होगा आपको, OAP OAS, तो ये दोनों त्रिभुज में आप चलेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है, यानी कि OP बराबर OS, OP बराबर OS, ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि OA OA जो है उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, हम लिखेंगे OA बराबर OA, ये क्या है भाई, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर आप देखिए, तो ए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, तो AP बराबर AS, AP बराबर AS, ये कहाँ से, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग तीन चीज अगर बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OAS कौन सी से, तो बाई साइड 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 से, भुजा 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 से, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे चूंकि हम लोगों को इतना सारा एंगल बन रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि POA जो है ये वाला एंगल AOS के बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके कोई भी दो भुजा बराबर होते हैं, उसके कोई दो कोण बराबर हो जाते हैं। तो अतः लिख सकते हैं कि एंगल POA का मान जो है
बराबर होगा किसके, एंगल एस ओ ए का, ठीक है। तो अब इसको अब क्या कर लीजिए ना, आप सबको मान लीजिए, जैसे इसको मान लेते हैं एंगल एक, इसको मान लेते हैं दो, इसको मान लेते हैं तीन, इसको मान लेते हैं चार, इस कोण को मान लेते हैं पाँच, छः, इसको सात और इसको आठ। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल वन जो है एंगल एट के इक्वल है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एट, क्योंकि नाम दे दिए हैं सबका, उतना आप लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम ये वाला पार्ट में चलें, ध्यान दीजिएगा, तो इस पार्ट में हम जब चलें तो ये दो त्रिभुज में बटा और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए एंगल वन जो है एंगल आठ के बराबर है। उसी तरीके से सिमिलरली इसको पढ़ते हैं, सिमिलरली का मतलब एकदम उसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंगल वन और एंगल आठ आया है, उसी तरीके से सोचिए कि एक तरीके का ए भी है, पी बी क्यू ओ एक चतुर्भुज है जिसको हाफ हाफ बांट रहा है त्रिभुज, दो गो त्रिभुज में, तो एंगल टू जो है एंगल तीन के बराबर होगा, सिमिलरली इसको कहते हैं। यानी कि ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग यहाँ किए हैं, एंगल वन जो है एट के बराबर आया है, उसी तरीके से टू जो है किसके बराबर होगा, एंगल टू बराबर एंगल थ्री। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो फोर बराबर फाइव, एंगल फाइव, उसी प्रकार एंगल सिक्स बराबर एंगल सेवन, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसी तरीके से आएंगी जिस तरीके से एंगल वन जो है एट के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे लिखेगा चित्र से, चित्र से बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर सभी कोण, सभी कोण 360 डिग्री के होंगे। ओ पर जितना भी कोण बना रहा है, देखो अगर मान लिया कि एक लाइन खींचता है तो एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और जब उसको पूरा ले लेते हैं चारों तरफ से गोला, तो 360 डिग्री हो जाता है, ऊपर का 80 नीचे का 180, तो 180 180 360। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं क्या, इस फिगर को आप देखिए तो पता चल रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको ऐड करने से कितना होना चाहिए, 360। तो एंगल वन एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंगल एट बराबर 360। इसीलिए ना हम 1 2 माने थे, ताकि सब एंगल को लिखने के लिए हमें आसानी महसूस होगा। अब 1 को लिखना होगा तो पी ओ ए लिखना पड़ता, 2 को लिखना था पी ओ बी लिखना पड़ता, है ना दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, तो एंगल वन जो है एंगल एट के इक्वल है ना, एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल एट के। तो एंगल वन का तो एंगल वन छोड़ दीजिए, प्लस एंगल टू का एंगल टू को छोड़ दीजिए, प्लस एंगल थ्री, तो एंगल थ्री के जगह पे एंगल टू डाल दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो थ्री के जगह पे टू रख दिए, और फोर फोर को यहाँ पे देख रहे हैं ना, फोर है, तो एंगल फोर को हम लोग रख सकते हैं कितना, तो एंगल फोर को हम रख दिए एंगल फाइव, और ये ऑलरेडी फाइव है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल सिक्स है ना भाई, तो ये एंगल सिक्स है, तो इसको आप एंगल सिक्स कर दीजिए, और इस सेवन है तो सेवन के जगह पे आप सिक्स कर दीजिए, यानी कि सेवन के जगह पे हम सिक्स रख दिए, और एंगल एट है तो इसके जगह पे एंगल वन कर दीजिए 360। यानी कि हम किए क्या, इस वन के जगह पे वन रख दिए, टू के जगह पे टू रख दिए, इस थ्री के जगह पे टू क्यों रखे, क्योंकि दोनों इक्वल था। इसलिए आप पाएंगे कि एंगल वन और एंगल वन तो कै गो हो गया, टू एंगल वन, उसी तरह से टू टू दो गो है तो टू एंगल टू, फिर एंगल फाइव दो गो है तो टू एंगल फाइव, एंगल सिक्स भी दो गो है टू एंगल सिक्स बराबर 360 डिग्री। अब क्या करना है आपको, टू सब में से कॉमन कर लेना है, तो टू सब में से कॉमन करेंगे तो एंगल वन एंगल टू एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 360। अब टू जब कॉमन कर लिए तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन और टू को एंगल वन प्लस एंगल टू को एक साथ रखिए, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स को एक साथ रखिए, और इधर दो गुना में है तो 360 से दो से भाग कर दीजिए,
तो 180। अब आप चित्र से देखिए तो एंगल वन और एंगल टू को मिलाइए, तो वन और टू को मिला रहे हैं तो ए ओ बी मिल रहा है, वन और टू को जोड़ रहे हैं तो ए ओ बी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एंगल ए ओ बी लिख दीजिए। प्लस पाँच और छः को जोड़ना है तो पाँच और छः और नीचे वाला है इसलिए सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, यानी कि जब आमने सामने का कोण जो है इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 180। या हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और ए ओ डी भी कितना होगा, उतना ही यानी कि 180 डिग्री। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का प्रूव्ड होता है। और ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे तरीके से पेंसिल की सहायता से, प्रकाल की सहायता से अच्छे से फिगर ड्रॉ कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। तो अगले क्लास में हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, और फिर अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।